नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं कारोबार जगत की ताजा और बड़ी खबरें। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार 100 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ खुलने के बाद 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक की भरपाई करते हुए 100.22 अंक की बढ़त के साथ 60,159.2 वाट पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी 52.05 अंक बढ़कर 17,947.25 पर पहुंच गया। बता दें पिछले सत्र में 30 शेयर वाला सूचकांक 381.23 अंक से उछलकर 60,059.06 पर बंद हुआ था और निफ्टी भी 104.85 अंक बढ़कर 17,895.20 की नई ऊंचाई पर बंद हुआ था। वहीं एशिया के दूसरे प्रमुख शेयर बाजारों में शंघाई, हांगकांग और टोक्यो मध्य सत्र सौदों में लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि सियोल का शेयर बाजार छुट्टियों की वजह से बंद था। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती से निवेशकों की धारणा प्रभावित होने के साथ साथ सोमवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे टूटकर 75.16 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोरी के साथ 75.11 पर खुला, फिर और गिरकर 75.16 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट को दर्ज करता है। बता दें शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.99 पर बंद हुआ था। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठकों के साथ साथ G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के एक हफ्ते के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान सीतारमण की अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एलेन से मिलने की भी उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों G20, FMCBG बैठक, भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय वार्ता के साथ साथ निवेश से जुड़ी दूसरी बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के तहत वह बड़े पेंशन फंड और निजी इक्विटी कंपनियों सहित निवेशकों को भी संबोधित करेंगी और उन्हें भारत के विकास के सफर का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित करेंगी। वहीं भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने सोमवार को कहा कि भारतीय ग्रुप की अनुषंगी वन वे विश्रो की सुविधाओं के माध्यम से भारतीय जमीन से उपग्रह प्रक्षेपण करने वाली पहली निजी कंपनी होगी। अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन शुरू करने के मौके पर मित्तल ने कहा कि कंपनी 2022 के मध्य से वन वे उपग्रह के माध्यम से देश में कनेक्टिविटी प्रदान करने की शुरुआत करने की योजना है। उन्होंने कहा कि वन वे भारतीय अंतरिक्ष बाजार में वाणिज्यिक स्थिति का निर्माण करने वाला पहला ग्राहक होगा। मित्तल ने कहा कि वन वे भारतीय जमीन से उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 रॉकेट का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि कई बड़े देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और सरकार की मदद के बिना यह संभव नहीं है। हमारी इस नई पहल के साथ मुझे यकीन है कि अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक एशिया में इसरो का रुख करेंगे। एक शानदार भविष्य हमारी ओर देख रहा है और प्रधानमंत्री हमें रास्ता दिखा रहे हैं। बता दें अंतरिक्ष में वन वेव के फिलहाल 322 उपग्रह। उधर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के मेल से देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और समावेशी विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में सुधार और स्वस्थ इस प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही मंत्री ने उद्योग जगत से दुनिया भर में इस्तेमाल में लाए जा रहे सबसे अच्छे तरीकों का अध्ययन करने और नीति तैयार करने में योगदान के लिए सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बहुत साफ है कि अंतरिक्ष और दूरसंचार मिलकर हमें उन क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं जहां पहुंचना परंपरागत रूप से आसान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सोच काफी खुली हुई है। हम इस क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं और सभी को समान अवसर प्रदान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, इसलिए आप सिफारिशें दें जिनसे इस दिशा में नीति बनाने में हमें मदद मिलेगी। उत्तर देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। BSE पर TCS का शेयर 7% तक लुढ़क गया। IT प्रमुख की दूसरी तिमाही के राजस्व एक्सपर्ट के अनुमान से नीचे रहने की वजह से TCS का शेयर कमजोर हुआ है।
शेयर में गिरावट से कंपनी का मार्केट कैप 14,55,687 करोड़ रुपए से घटकर 13,62,564 करोड़ रुपए पर आ गया है। बता दें TCS ने जुलाई सितंबर तिमाही में 9,614 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल किया है। वहीं चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू बढ़कर 46,867 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि नेट मार्जिन 20.5% पर पहुंच गया है। ऐसे में तिमाही नतीजों को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने कंपनी के प्रत्येक 1 रुपये के इक्विटी शेयर पर 7 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जो 3 नवंबर 2021 को दिया जाएगा। उधर अमिताभ बच्चन ने अपने 79वें जन्मदिन पर एक ब्लॉग लिखकर अपने सभी फैंस से कहा है कि उन्होंने कमला पसंद के साथ अपने करार को खत्म कर दिया है। अमिताभ ने ब्लॉग में लिखा है कि मैंने पान मसाला ब्रांड कमला पसंद के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है, फीस वापस लौटा दी है। अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह सरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। बता दें बिग बी ने यह कदम विज्ञापन के ऑन एयर होने के कुछ समय बाद उठाया है, क्योंकि उसे लेकर काफी विरोध हो रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।